हेलो एवरीवन, वेलकम टू आउ कोड करियर्स यूट्यूब चैनल। क्या आप जानते हैं दुनिया में जितने भी वेबसाइट्स बने हैं सब में तीन चीज़ काफ़ी कॉमन है, HTML, CSS एंड JavaScript। लेकिन क्या आप ये जानते हैं इन तीनों को मिलाकर हम एक वेबसाइट कैसे बना सकते हैं? अगर नहीं तो ये वेब डेवलपमेंट सीरीज आपके लिए है। इस वेब डेवलपमेंट सीरीज के समय हम ये सीखेंगे कि इन तीनों को मिलाकर हम एक वेबसाइट कैसे बना सकते हैं, और इसी के साथ हम चार प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे जिसमें हम एनिमेशन के बारे में भी सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पर ऐसे क्लासेस सिखाने वाले हैं आप लोग को, जहाँ पर जो क्लासेस देखिए, जो क्लासेस में आप लोग वो सीखने वाले हैं जो हमारे को इंटरव्यू में काम में आएंगे, जो हमारे को कंपनी में काम में आएंगे। ठीक है, अब आप जब भी इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर इंटरव्यूअर आपसे पहले क्या क्या लैंग्वेजेस आता पूछते हैं। ठीक है, तो अगर आप फुल स्टैक वेब डेवलपर है, या अगर आपका फील्ड फ्रंट एंड डेवलपमेंट है, इवन अगर आप बैक एंड डेवलपमेंट है, कि देर आर, क्योंकि वहाँ पर आपके ज़्यादा चांसेस रहते, ठीक है, ये पूछने की भाई आपको फ्रंट एंड डेवलपमेंट में क्या आता। तो बेसिकली फ्रंट एंड डेवलपमेंट में हमको थ्री लैंग्वेजेस रहते जो वेबसाइट बिल्ड करने के लिए हम यूज़ करते। ठीक है, तो पहला लैंग्वेज रहता HTML। तो HTML लैंग्वेज हम क्यों यूज़ करते? HTML लैंग्वेज सिंपली हम जो है ना वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज़ करते। इन सिंपल वर्ड्स, अब मैं इंसान हूँ मैं, ठीक है, तो अब इंसान बोलो या जानवर बोलो, एनिमल बोलो, उसका स्केलेटन उसके लिए यूज में क्या आता? उसका स्केलेटन उसके लिए, उसको बॉडी का एक स्ट्रक्चर रहता, ठीक है, जो डिफाइंड करे हुआ रहता ऑलरेडी गॉड की तरफ से। तो उसका स्केलेटन उसके बॉडी में क्या बोलते हैं, एक स्ट्रेंथ और एक क्या बोलते हैं ठहराव, ठीक है, वो लाने के लिए यूज में आता। ठीक है, तो वैसे ही हमारे वेबसाइट में एक ठहराव लाने के लिए, यानी एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए या पिलर्स खड़ा करने के लिए वी यूज HTML। ओके, एंड CSS रही बात, ठीक है, HTML की बात तो ऊपर से मैं बता दिया कि भाई हम HTML क्यों यूज करते हैं, और HTML को देखेंगे भी हम कि HTML रहता कैसा। बट उससे पहले हम देखेंगे कि CSS JavaScript क्या यूज में आता, एंड वेबसाइट हमारा इंटरनेट पे वर्क कैसा करता, उसके बारे में थोड़ा बहुत बेसिक देख लेंगे आज की क्लास में। ओके, हम जानने वाले थे CSS के बारे में, HTML के बारे में हम जाने कि HTML जो है हमारे स्ट्रक्चर के लिए यूज में आता। अब CSS की बारी आई, तो हम देखिए HTML तो हमारा स्केलेटन का एग्जांपल दिया मैं आप लोग को, अब CSS क्या रहता बोले तो अपना पूरा जो बॉडी का, मतलब कंप्लीट जो बॉडी रहती, आइज, नोज, स्किन, लिप्स, हेयर्स एंड ऑल, जो भी हमारे बॉडी को, यानी एक इंसान को ब्यूटी देता, यानी उसको अच्छा दिखने के लिए एक सहारा देता, तो वो क्या रहता बोले तो स्किन, नोज, ईयर्स एंड जो भी रहते वो सब चीज़ें, यानी कलर वलर, मैं तो रेसिस्ट नहीं हूँ बट स्टिल कलर का बोला मैं, हाँ, तो वो सब जो है ना हमारे को एक, मतलब एक ब्यूटी देने के लिए यूज में आता, तो गॉड वो सब चीज़ हमको प्रोवाइड करे। वैसे ही ना हमारे पास CSS है, तो CSS से हम क्या करते, हमारी वेबसाइट को एक स्टाइल देते, ठीक है, यानी वेबसाइट हम बना लिए, स्ट्रक्चर बना लिए, अब हमारे वेबसाइट को ब्यूटीफुल बताने के लिए हम CSS बोल के एक लैंग्वेज रहता, ठीक है, वो यूज करते। ओके, अब इसके डेप्थ में नहीं जाएंगे, इसके बारे में हम धीरे 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 करके स्टेप 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 रहते ना, स्टेप चढ़ते चढ़ते गए, स्टेप चढ़ते गए, जैसा हम क्या करेंगे धीरे 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 सीखेंगे। ठीक है, तो CSS यूज करते, अब हम सीखे HTML के बारे में, समझे स्ट्रक्चर के लिए यूज में आता, CSS के बारे में देखे हम स्टाइलिंग के लिए यूज में आता, अब JavaScript क्या यूज में आता, अब इंसान बना दिए गॉड पूरा, अब इंसान को ब्रेन देना है, अब ब्रेन क्या काम में आता इंसान के, सोचने के लिए, समझने के लिए। वैसे ही हम जो है ना हमारे वेबसाइट के इन अंदर हम JavaScript यूज करते उसको फंक्शनैलिटीज देने के लिए, ठीक है, उसको सोचने समझने का एक तरीका हम देने के लिए JavaScript यूज करते, ठीक है। तो ये हमारे यूजर्स है HTML, CSS, JavaScript के। तो हम देखिए अब ये चीज तो हम सीखने वाले, कैसा भी ये चीज जो है ना एक फाउंडेशन है हमारे वेबसाइट डेवलपमेंट का, वेबसाइट बिल्ड हमको करना है तो हमको फाउंडेशन पहले उसका स्ट्रॉन्ग करना रहता, तो फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए थ्री लैंग्वेजेस सीखते। तो हम देखिए अब वेबसाइट हमारा इंटरनेट पे वर्क कैसा करता, अब देखो मैं ना यहाँ पर मैं सर्च करूंगा YOUTUBE.com बोल के मैं सर्च करूंगा। अब यहाँ पर YouTube क्यों खुला, कैसा खुला, देखो YouTube खोलना है तो यहाँ YouTube कैसा खुला, ठीक है, ये चीज़ का हमारे दिमाग में कभी, अब आप लोग कभी सोचे कि भाई ये YouTube कैसा आ रहा,
जब आप ये चीज को सर्च करें, एक पर्टिकुलर यूआरएल को आप सर्च करें तो, हाँ, तो वो चीज कैसा आ रहा, वो चीज के बारे में हम देखेंगे, ठीक है। तो वो चीज को हम बोलते हैं कि भाई हाउ वेबसाइट वर्क्स। तो ये जो है ना हमारे क्लाइंट, ठीक है, और सर्वर दोनों के बीच का टॉक रहता, यानी बातचीत रहती, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब एक अच्छा बेटर एग्जाम्पल मैं देने का ट्राई करता हूं मैं। अब समझो कि आप अपने घर और एक शॉप, ठीक है, किराना स्टोर जो रहता ना, अपना घर और किराना स्टोर, दोनों को फिलहाल के लिए इमेजिन करो, ठीक है। ये क्या है, क्लाइंट, क्लाइंट हमारा किराना स्टोर है, ये क्या है हमारा सर्वर, घर है, ठीक है। तो जब हमारे नहीं, क्लाइंट को आप घर के जैसा एक बार इमेजिन करो एंड सर्वर को हमारे किराना स्टोर के जैसा, ठीक है। तो जब हमारे को, हमारा क्लाइंट यानी मैं यूजर हूं, मैं, ये क्लाइंट की बात चल रही है, तो जब आप कोई चीज को सर्च करते इंटरनेट पे, तो हमारा जो क्लाइंट रहता, हमारा जो यानी यूजर रहता, यानी क्लाइंट इंटरनेट पे जो क्लाइंट रहता, वो जो है ना शॉप पे जाता, यानी सर्वर पे जाता, यानी हमारे घर में अगर मेरे को सपोज चक्की की नीड है, मेरे को रोटी बनाना है एंड मेरे को चक्की की नीड है, तो मैं क्या बोलता हूँ, मेरे को चक्की लेने जाना है, कहाँ पर जाना है, किराने की दुकान पे। तो किराने की दुकान पे मैं कैसा जाऊंगा, मैं देखो घर के बाहर निकलूंगा, सीधा मेरे घर के सामने किराने की दुकान रहेगी, वहां जाके मैं क्या करता हूँ, चक्की ले लेता हूँ, ठीक है, देन मैं मेरे घर पे आ जाता हूँ। तो जहां पर यानी क्लाइंट यानी हमारे ब्राउजर पे जब भी कोई भी यूजर आके एक पर्टिकुलर क्वेरी डाला, यानी जैसा कि अभी youtube.com बल्कि मैंने सर्च कराना, तो वैसा आप facebook.com या instagram.com जो भी रहेगा ना पर्टिकुलर क्वेरी, जब भी यूजर को कोई नीड रहेगी, तो हमारा यूजर क्या करेगा, हमारे ब्राउजर पे सर्च करेगा। तो वो चीज जो है हमारा ब्राउजर क्या करता, सीधा सर्वर के पास जाता, ठीक है। सर्वर क्या करता, वो चीज को समझता, समझ के हमको क्या करता, वापस ब्राउजर पे वो चीज को रेस्पॉन्स कर देता। देखो, रिक्वेस्ट करें हम पहले कि भाई हमको youtube.com चाहिए, देन हमको क्या दे दिया उन्हें, youtube.com दे दिया, youtube ला कर दे दिया। तो ये चीज के बीच में, यानी यहाँ रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स आप लोग को दिख रहा है बीच में, बट ये चीज के बीच में आपको जो है ना और एक प्रोसीजर रहता, ठीक है। तो वो कैसा रहता है, आपको पहले समझना रहता है TCP के बारे में, IP के बारे में, DNS के बारे में, HTTP के बारे में। अब भाई मैं इतने नाम ले रहा हूँ, ये नए नए नाम कहाँ से आ रहे हैं, ये नए नए नाम कैसे आ रहे हैं, हाँ। तो अब मैं बताता हूँ आप लोग को, अब आप TCP क्या है और IP क्या है पहले ये समझो, ठीक है। तो TCP यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये क्या काम में आते, ये आते हमको कम्युनिकेट करने के लिए हमारे इंटरनेट से, ठीक है। तो आईपी बेसिकली जो है ना हमारा एक एड्रेस रहता, ठीक है। टीसीपी हमारे वो एड्रेस को जो है कहां से कहां पर लेके जाना, यानी एड्रेस, अब फॉर एग्जांपल रैपिडो है, रैपिडो में बुक करा मैं, मेरे को कॉलेज जाना है, तो मैं को जो है ना कहां जाना है, कॉलेज जाना है, तो मैं कॉलेज क्या है, मेरा आईपी है यानी एड्रेस है, ठीक है। तो मैं क्या हूं, मैं फिलहाल के लिए वेबसाइट हूं मैं, youtube.com हूं मैं, ठीक है। तो मेरे को रैपिडो वाला लेके जा रहा, तो यहाँ पर रैपिडो वाला मेरा बन रहा है TCP। तो मैं आऊंगा, ठीक है, यानी मैं कहाँ पर आऊंगा, रैपिडो वाले के पास आऊंगा, फिर रैपिडो वाला मेरे को सर्वर पे से यानी मेरे घर पे से लेके मेरे कॉलेज पे चले जाता। तो TCP और IP हमको ऐसा वर्क करता, ठीक है, यानी इंटरनेट से बात करने के लिए इन सिंपल इंग्लिश, यानी इन सिंपल वर्ड्स। अब रहता DNS और HTTP, तो ये चीज के बारे में हम क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी हम ये चीज के बारे में पढ़े तो ये जो है ना कॉम्प्लिकेशंस हमारे जो रहते हैं समझने के, वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाते हैं। अभी इंटरनेट के बारे में मैं सिंपल में बताया कि भाई क्लाइंट और सर्वर के बीच में बातचीत चलती, इसकी वजह से हम जो सर्च करते वो वेबसाइट रिटर्न में आता हमको, ठीक है। तो हमको एक टूल की जरूरत रहती, वो टूल का नाम है हमारा VS Code, ओके। तो VS Code रहता, अब VS Code क्या है हमारा, ठीक है, VS कोड हमारा इन सिंपल वर्ड्स एक प्लेग्राउंड है, यानी एक ग्राउंड है जहां पर जैसा बच्चे खेलते हैं यहाँ पर वैसा कोड्स खेलते, ठीक है, जो कोड लिखते हैं ना हम वो खेलते। तो VS कोड बोल के हम सर्च करना हमारे क्रोम ब्राउजर पे, देन हम क्या करना, सीधा VS कोड के अंदर एंटर कर लेना जो फर्स्ट URL आता, एंड यहाँ पर क्या करना, सीधा डाउनलोड फॉर विंडोज, अगर आपका विंडोज है तो विंडोज के लिए डाउनलोड करो, अगर आपका मैक ओएस है तो मैक ओएस के लिए, एंड लिनक्स है तो ना लिनक्स के लिए, ठीक है।
एंड इसको जब डाउनलोड करेंगे आप, ऐसा थोड़ा टाइम लेता है, देन सेव करना है आपको आपके जो फोल्डर में आपको डाउनलोड करना है, यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है। क्या करेंगे, सिर्फ वीएस कोड बोलकर नहीं, हम हमारे जो है ना नोट पैड जो रहता है ना हमारे कंप्यूटर के अंदर, नोट पैड इसके अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, एचटीएमएल कर सकते हैं, सीएसएस भी कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम पहले क्या करना, हमारे पास नोट पैड खोल लेना, ठीक है। मैं डायरेक्टली सर्च करा यहाँ पर, देखो एनओटी नोट पैड, मैं क्या करा, मेरा नोट पैड खोल लिया, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे को HTML करना है, तो HTML करने से पहले हमको जो है HTML का सिंटैक्स याद रखना चाहिए, ठीक है। सिंटैक्स क्या रहता, सिंटैक्स यानी अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का अलग अलग लिखने का तरीका रहता। तो जो लिखने का तरीका यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जो हम राइट करते हैं, वो राइट करने के तरीके को हम क्या बोलते हैं, सिंटैक्स।